परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। हो रही है राख के कारण हो रही है, जो भी हिंसा हो रही है देश के कारण हो रही है, जो भी श्रमण श्रमणिया अपने धर्म से दूर हो रहे हैं राग के कारण हो रहा है। अपने गुरु से इतना तीव्र राग हो चुका है कि आप भक्ति में नहीं हो। यदि भक्ति में होंगे ना तो तीन कम नौ कोटि मुनि महाराज दिखेंगे आपको। भक्ति में हो तो संपूर्ण जिनवाणी जिनवाणी दिखेगी, आपकी लिखी पुस्तक मां शासनी होगी। भक्ति में होंगे तो संपूर्ण जिनबिंब भगवान दिखेंगे, और राग में डूबे हो तो मेरे संग से प्रतिष्ठित प्रतिमा है भगवान, मेरे संग से निकले शास्त्र जिनवाणी, मेरे गुरु गुरु, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है। जिन शासन प्रति, जिन शासन प्रति नहीं है, अज्ञानता से पूर्ण तुम्हारा राग है, ये तुमको कर्म शत्रुओं को निमंत्रण दिलाएगा। अभी तुमको पुण्य के नियोग में समझ में नहीं आता है, जब पाप का उदय आएगा आप प्रकट हो गए तब को तुम समझ में आएगा, ओहो मैंने अपने अपने जीवन में कितनी जिनवाणियों को फेंकवाया, कितनी प्रतिमाओं की अवहेलना की और कितने गुरुओं की निंदा की है। बेटा श्रीपाल से पूछना, गलित कुष्ठ हो गया, और राजा मैं से पूछना, जिसको ज्ञान का मत था, जिस साहब एक मुहूर्त में राजा सब कुछ भूल गया, और जिन बिंबों का अनादर करोगे ना, तो कनकोदरी रानी से पूछना, कनकोदरी रानी से पूछना, मात्र 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 22 घड़ी के लिए अरहंत की प्रतिमा का अभिनय किया था, 22 वर्ष तक पति के वियोग का कष्ट सहन करना पड़ गया अंजना की पर्याय में। इसलिए माताओं, ये किसी के बहकावे में धर्म मत समझना, जो जिनवाणी में लिखा उसे धर्म स्वीकारना। कभी किसी गुरु की अवहेलना करना मत, आगम ग्रंथों की अवहेलना करना मत, जिन प्रतिमा की अवहेलना करना मत। राग वर्तमान की पर्याय का है, राग वर्तमान की पर्याय का है, द्वेष वर्तमान की पर्याय का है, लेकिन वर्तमान की पर्याय के लिए नहीं है, भविष्य में भी फल देगा। ज्ञानियों भैया सुरेश संजय कासलीवाल जी, हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, किसी व्यक्ति ने अपने आप को इच्छा नहीं रोक सका, मौसम्मी का जूस पिया, मौसम्मी का फल खाया, फिर मीठा सीता फल खाया, और इसी बीच में किसी ने कहा ये उकाली और पी लो, उसने उकाली भी पी लिए। मित्र खाते पीते तो अच्छा लग रहा था, पर जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा फिर देह की वेदना को कौन सहन करेगा, सुम करेगा ना। ऐसे मित्र झांसी में मुक्षो, बेटा सारे ज्ञानियों को समझा देना, अभी तुमको ममकार अहंकार का मद चढ़ा हुआ है, तो उतर जाएगा ना।